हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मालपुए की रेसिपी, जिसको मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल नए स्टाइल में। इसमें मैं मावा बिल्कुल नहीं डालने वाली। इसको मैं बनाऊँगी पके हुए केले की हेल्प से। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, चलिए जान लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा, दो पके हुए केले जिसको मैंने छील लिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, एक गिलास दूध, चीनी, एक कटोरी मलाई, कटे हुए नारियल, नारियल का बुरादा। तो सबसे पहले दूध को डालेंगे एक बॉल में। दूध को मैंने एक बॉल में डाल दिया है। अब इसमें डालूंगी चीनी, इसमें 3 चम्मच चीनी डालनी है और चीनी को इसमें अच्छे से मिला लेना है ताकि चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से मिल जाए। चीनी मेल्ट हो रहा है, तब तक फ्रेंड मैं ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेती हूँ। तो इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। इस तरीके से इसको कट कर लीजिए। आप इसमें अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है। अब मैं बनाना के छोटे छोटे पीसेस करके दूध में डालूंगी। चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, अब इसमें बनाना के छोटे छोटे पीसेस करके डालूंगी। बनाना को मैंने कट कर दिया है, अब मैशर की हेल्प से इसे मैश करूंगी। इसे बाहर भी मैश कर सकते हैं, लेकिन बनाना बहुत जल्दी काला होने लगता है, इसलिए मैं इसे दूध में ही मैश करूंगी ताकि ये काला ना पड़े और अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। देखिए फ्रेंड, बनाना इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दी। अब इसमें मिलाऊंगी मैदा। मैदा को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। मैदा को इसमें अच्छे से मिक्स करना है, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, नहीं तो मालपुआ अच्छा नहीं बनेगा। मैदे को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करूंगी मलाई। मलाई डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मालपुआ बहुत अच्छा बनता है। मलाई को भी इसमें अच्छे से मिक्स करिए। इसमें डाल देंगे कटा हुआ नारियल, कटी हुई काजू और किशमिश, बादाम रखेंगे गार्निशिंग के लिए और सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिला देना है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, देखिए ऐसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मालपुआ अच्छा नहीं बनेगा। मालपुआ फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर चढ़ा दिया कढ़ाई। इसमें डालना है रिफाइन ऑयल। अगर आप देसी घी खाना पसंद करते हैं तो आप उसमें भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। थोड़ा सा बैटर इसमें डाल के देखती हूँ। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, ये ऊपर आ गया। अब मैं फ्लेम को करूँगी लो। अब इसमें बैटर डालना शुरू करूँगी। मालपुआ आप चौड़ी कढ़ाई में ही बनाइए। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। डालते समय आप लो रखिएगा और जब डाल लिया तो मीडियम फ्लेम पे इसे
फ्राई करेंगे। एक साइड का हो जाए तो दूसरी साइड से टर्न कर लेना है। ये देखिए मेरे मालपुए कितने अच्छे बन रहे हैं। इसे पलट करके दोनों साइड अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स मालपुआ हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। ये देखिए मैंने मालपुआ को निकाल लिया है। इसी तरीके से मैं सारे मालपुआ को तैयार कर लूँगी। तो दूसरे साइड से भी टर्न करके अच्छे से ब्राउन होने तक सेकना है। देखिए मेरे सारे मालपुए बनके हो गए रेडी। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपका मन करे कि और भी रसीला मालपुआ खाना है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ चाशनी वाले मालपुए। चाशनी बनाने के लिए एक कटोरी चीनी डालनी है। अब इसमें डालना है 1/4 पानी। जितनी चीनी हो उसका 1/4 ही पानी डालना होता है। तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। अब चीनी को इसमें मेल्ट होने देंगे। इसमें डाल देंगे 2 कूटी हुई इलायची। इसे चाशनी का स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको मिला के अच्छे से चीनी मेल्ट हो चुकी है। हमें एक तार की चाशनी बनानी है तो इसे थोड़ी देर तक और पकाना है। चाशनी बन चुकी है। अब मैं गैस को करूंगी ऑफ। अब इसमें डालूंगी मालपुओं को। दोनों साइड से टर्न कर देना है ताकि चाशनी इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए दोनों साइड। अब 5 मिनट के लिए हम इसे कढ़ाई में ही छोड़ेंगे ताकि अच्छे से रसीली मालपुआ बनके हो जाए रेडी। देखिए फ्रेंड्स मेरे दोनों तरह के मालपुए हो गए हैं रेडी। इसको मैंने चाशनी में डाला था और ये फ्राइड वाले हैं। इसकी गार्निशिंग मैंने नारियल के चूरे से और बादाम से की हुई है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी इसे ट्राई करें। इसी तरीके की अच्छी अच्छी एंड क्विक रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।